गोली का बदला गोली से और पुतले का बदला पुतले से। हाथ में बंदूक लिए इस शख्स को आप कुछ और समझें, उससे पहले ही हम आपको ये बता दें कि ये कांग्रेस कार्यकर्ता है। बंदूक नकली है। जिस पुतले पर ये निशाना लगा रहे हैं वो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का पुतला है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुतले को बंदूक से छलनी कर अपना विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस का यह अनोखा प्रदर्शन तब और चौंकाने वाला हो गया जब ज्यादातर कार्यकर्ता भगवा रंग में नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंदूक उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुतले की प्रतीकात्मक हत्या का जुनून इनके सर पर क्यों सवार हुआ, उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल नाथूराम गोडसे के पुतले को बंदूक दिखाकर कांग्रेस कार्यकर्ता अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा किसके खिलाफ है, इसके लिए दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां हिंदू महासभा के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी। इसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी नाथूराम गोडसे की विचारधारा को समर्थन करने वाले लोगों के साथ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंदू महासभा की करतूत के विरोध में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। मतलब ये कि जिस भारत की आत्मा में गांधी बसे हुए हैं उसे छलनी करने के पीछे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते।